एक लाख से ज्यादा संख्या में बाढ़ सचिव आज सरकार के दरवाजे पे खड़ा है। जब तक सरकार को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग रोड जाम कर दिए हैं पूरा का पूरा। नहीं कहीं अभी तो नहीं किए हैं, अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचेगी, क्या करेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे नहीं हम लोग, नहीं। लाठी चलेगी तो पीछे हटेंगे? हम नहीं हटेंगे, सबसे पहले लाठी दिखाएंगे। हम देख लेंगे, हम जो आएगा देख लेंगे, जो आएंगे देख लेंगे। हम नहीं मानेंगे तो रूल ऑफ लॉ। क्या कहता है रूल ऑफ लॉ? उसमें सभी कुछ है, उसमें चार्ज हर चीज ए टू जेड। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। भाजपा कार्यालय के सामने की भीड़ है ये। पुलिस तो पहुंच गई है, अब हटाएगी तो कहां जाएंगे? हम लोग यहां छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। पटना की धरती पर जब तक हम लोग का लेटर वापस नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आज पिछले 12 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार का एक भी मंत्री विधायक किसी ने हम लोग का आवाज सुनने का काम नहीं किया। इसलिए आज हम लोग खुद 1 लाख से ज्यादा संख्या में बाढ़ सचिव आज सरकार के दरवाजे पे खड़ा है। आज भी अगर जो सरकार हम लोग की आवाज, आप लोग तैयार हैं अगर पुलिस यहाँ पहुँचती है लाठी लेके पुलिस पहुंचेगी तो क्या करेंगे? नहीं हटेंगे, पुलिस पहुंचे या कोई पहुंचे हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग कहे कि 4 साल पहुंचेगी थोड़ी देर में तो क्या करेंगे? हम लोग अब यहीं पर रहेंगे, कुछ भी हो जाए यहीं पर रहेंगे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक सरकार को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। NH को जाम करेंगे, यहाँ से हटेंगे तो पुलिस आएगी तो नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं हटना है तो पुलिस पहुंच। हम लोग का 3 सूत्री मांगों को पूरा कर दे, हम लोग चले जाएंगे। पुलिस थोड़े देर में आएगी तो क्या करेंगे? देखिए सर, अगर नहीं आती है सरकार, हम लोग को बात नहीं सुनती, हम लोग यहीं बैठा रहेंगे। आज 12 दिन से है ना, 13वां दिन चल रहा है। हम लोग रोड जाम कर दिए हैं पूरा का पूरा। नहीं कहीं अभी तो नहीं किए हैं, अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे। हम लोग स्वेच्छा पूर्वक एक ढंग का प्रदर्शन, हम लोग एकता का प्रदर्शन सरकार को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार अगर 1 घंटा में नहीं आती है तो हम लोग रोड जाम कर देंगे। तो कितना घंटा है, क्या है? हम लोग सरकारी सामान का कोई क्षति पहुंचे सरकार के पास कितना देर का समय दे रहे हैं? हम लोग अभी टाइम दे, जितना जल्द से जल्द आ जाए उनका कोई। देखिए एक आपको बूढ़े बाबा दिख रहे होंगे, वो भी पहुंचे हुए। देखिए सबके सब वार्ड सचिव हैं और हम सबसे बात करेंगे एक एक करके। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचेगी, क्या करेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे नहीं हम लोग, नहीं। हम लोग को चाहिए वार्ड सचिव का दर्जा। हम लोग हैं वार्ड सचिव, रहेंगे। हम लोग 4 साल काम किया है, जो 3 महीना काम करता है उसको सरकारी नौकरी मिल जाता है। हम लोग 4 साल किए, कुछ नहीं मिला। पुलिस पहुंच चुकी है। वो पहुंचने से क्या मतलब है? हम लोग नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आपका उम्र क्या है? हमारा उम्र तो पार कर गया, लेकिन हम वार्ड सचिव हैं। वार्ड सचिव हैं अभी, उम्र होने के बाद भी हैं। गुस्सा कितना है? हैं? गुस्सा कितना है? गुस्सा थोड़ा सा भी नहीं है, गुस्सा है। गुस्सा नहीं है, नहीं है गुस्सा नहीं है। इतना लोग चिल्ला रहे हैं, देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठी चलेगी तो पीछे हटेंगे? हम नहीं हटेंगे, सबसे पहले लाठी दिखाएंगे हम। भाजपा कार्यालय के सामने खड़े हैं, भाजपा तो सामने है। भाजपा के जो नेता है सामने, हमारा सामने। हम कोई पार्टी नहीं है, हम देख लेंगे। हम जो आएगा देख लेंगे, जो आएंगे देख लेंगे। और डंडा बरसाया जाएगा तो नहीं हटेंगे, डंडा बरसाया जाएगा तो फिर भी हम लोग यहाँ आए रहेंगे जब तक खाएंगे। बिल्कुल, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा, जो 13 तारीख जो लेटर वापस हुआ उसको हम लोग पूरा डंडा खाने को तैयार है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए हैं, जाम तो कर दिए। पहले एक बार मार चुके हैं, एक बार मार खा चुके हैं, अब हर बार मारे खाएंगे। एक बार और लाठी खाने के लिए तैयार है, तैयार है। जी जी, देखिए किस तरह से रोड पे उतरे हुए हैं सभी के सभी वार्ड सचिव हैं और भाजपा कार्यालय के सामने पहुंचे हुए। देखिए ये, देखिए टाइट से बोलो, टाइट से क्या बोलो? जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं कि मैंने उसको नरम नहीं होना है बाबू। हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे। नरम नहीं होंगे इसलिए कि हमारा काम किए हैं, कोई हमको मानदेय मिला है थोड़ो। आप पूरा गरमाए हुए हैं? नहीं गरमाए नहीं है, हमारा यही बोली है, यही बोली है। यही बोली है। गले में नल लटकाए हुए हैं, गले में नल क्यों लटकाए हुए हैं? गले में नल इसलिए लगाए हैं कि पिछले 4 साल से हम सरकार का काम कर रहे हैं जल नल का, ठीक है। और सरकार को यह पूछना ना पड़े कि आज क्यों ये लोग रोड पर बैठा हुआ है।
सरकार को देख के पता चल जाए कि ये लोग नल जल का काम किया है, इसलिए अपने हम गले में नल लेके आए हैं, ज्वाइनर लेके आए हैं, यहाँ तक कि अपने देश के स्थान तिरंगा झंडा भी लेकर आए हुए हैं। पुलिस पहुँच चुकी है, पुलिस पहुँच चुकी है, क्या हो गया? पुलिस काम करते हैं, पुलिस हम लोग का सुरक्षा के लिए ना है कि पुलिस मार के भगा देगा, चार साल काम किया है, मारेगा नहीं क्या? आप लोग जाम कर रहे हैं, मारेगा नहीं? नहीं मारेगा, क्यों मारेगा? हम लोग गलती नहीं करेंगे। पुलिस मारेगी तो हम लोग को नाकाम है, बिना गलती के पुलिस मारेगी तो हम लोग नाकाम है। उनके पास वर्दी है, हम जनता है सरकार की, वो वेतन लेते हैं, हम वेतन नहीं लेते हैं, फर्क इतना ही है। हम भी सरकार के काम किए हैं, हम भी गुस्साए हुए हैं सर। ये कौन सा नीति है? एक बगल आप कहते हैं बेरोजगारी दूर करेंगे, एक बगल नौजवानों को 1,14,000 को सर्टिफिकेट लगा करके 4 साल घटा करके फिर इसको वापस कर रहे हैं, ये कौन सी सरकार है? अपना अब कुछ भी कर सकते हैं ना हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार थोड़ी देर में पहुंचेगी, पुलिस पहुंची गई, और जिसको आना वो भी आ जाए, कुछ नहीं, आप हटेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, हम लोग देखिए आज क्या होगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वार्ड सचिव इतने भारी मात्रा में पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय के सामने। देखिए नारे किस तरह से लगा रहे हैं, कि वार्ड सचिव इतने भारी मात्रा में पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय के सामने। देखिए नारे किस तरह से लगा रहे हैं, कुछ देर में नेता लोग भी आएंगे और पुलिस तो पहुंच ही गई। देखिए अब आगे नेता लोग आएंगे, उनका हमको स्वागत है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, क्योंकि यह संविधान में लिखा हुआ है काम किया है तो उसको मजदूरी मिलना चाहिए, तो हम लोग मजदूरी मांगने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल मार्फत से कहना चाहता हूं कि 4 साल से हम लोग वार्ड सचिव के दम पर पूरे बिहार में सत्ता में आने का काम किए हैं, आप माइक पर बोलते हैं स्टेज पर कि हमने विकास की गंगा बहाया है, तो उस विकास की गंगा बहाने में वार्ड सचिव का अहम भूमिका है। और सम्राट चौधरी को मैं कहना चाहता हूँ कि 13 तारीख को जो चिट्ठी उन्होंने निकाले हैं और रातों रात 1.25 लाख सचिवों को उन्होंने रोड पर लाने का काम किया है, तो तत्काल वो अपने कार्यालय पर आकर वो चिट्ठी को तत्काल वापस ले। चेतावनी दे दिया आप क्या? ये तो चेतावनी दे रहे हैं कि आए, नहीं तो यहाँ से हम लोग हटने नहीं वाले। हाँ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर, जब तक सम्राट चौधरी के जो निर्देशक रंजीत कुशवाहा द्वारा जो जारी लेटर है वापस नहीं लिया जाता और निरस्त नहीं किया जाता, हम लोग को मांग नहीं किया जाता, लोग डटे रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी पहुँच चुकी है। तो खान सर आप बताइए कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग पहुँचे, भाजपा कार्यालय को घेर लिया, बहुत बड़ी संख्या में जो ये लोग पहुँचे हैं, इनका यहाँ पर पहुँचना अवैध है, इलीगल है। ये सब लाठी खाने के लिए तैयार है, कुछ भी हो जाए यहाँ पे भी बैठेंगे बहुत दिन। वो सवाल ये है कि ये इनका यहाँ पर प्रदर्शन ही अवैध है, इनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, इनको अनुमति लेकर गर्दनी बाग जाना चाहिए। गर्दनी बाग में ये लोग 13 दिन से बैठे हुए थे, अब कह रहे हैं कि अब यही होगा जो होगा। अब सवाल है कि इनकी अपनी मर्जी से राजकाज और प्रशासन नहीं चलता है, प्रशासन चलता है रूल से, रेगुलेशन से, रूल ऑफ लॉ से। चलिए तो अब क्या होगा आगे, मानेंगे बात या आपको हटाना ही पड़ेगा? नहीं मानेंगे तो रूल ऑफ लॉ, क्या कहता है रूल ऑफ लॉ? उसमें सभी कुछ है, उसमें चार्ज हर चीज A to Z। हाँ देखिए खान सर भी पहुंच गए हैं भाजपा कार्यालय के ठीक बाहर में और पुलिस प्रशासन भी पहुंच गई है। साफ खान सर कह रहे हैं कि सब चीज आता है यहाँ पे, वो लोग धरना नहीं दे सकते हैं, A to Z हो जाएगा अगर हटेंगे नहीं तो। बस देखना यह है कि आगे क्या होता है। जितने भी यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने, धरना देने, हल्ला करने, अपना मांग मांगने, वो उनका साफ कहना है कि लाठी चले या कुछ भी चले हटने नहीं वाले, लेकिन खान सर साफ कह रहे हैं कि हटना तो पड़ेगा ही। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।